हे गाइस यार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वार्ट्ज स्केट्स किस प्राइस में आते हैं, क्वार्ट्ज स्केट्स का क्या बेनिफिट है, क्या कॉन्स है उसके, और भी कई सारी बातें करेंगे, जैसे कि किस प्राइस में क्वार्ट्ज स्केट्स आते हैं, हमें किस प्राइस में बाय करना चाहिए, कौन सा शूज़ के ऊपर हमें लगवाना चाहिए और कौन सा व्हील उसमें लगवाना चाहिए, व्हील्स बेयरिंग, सब चीज़ के बारे में यार आज बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज की डेट में इतने सारे कंपनी आ गए हैं क्वार्ट्ज की मार्केट में कि पता नहीं चलता बच्चों को कि कौन सा स्केट्स लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, कौन सी का नहीं लेना चाहिए। तो यार कौन सी कंपनी का स्केट्स बाय करना है ये तो देखो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो बहुत महंगा भी स्केट्स है, जिनका बहुत सस्ता भी स्केट्स है। तो मैं आपको यही ऑफर करूँगा कि आप लोग के बजट में जो आता है सबसे पहले वो क्वार्ट्ज सेलेक्ट करें, ना कि आपने ले लिया स्केट 10,000 वाला और परफॉर्मेंस है नहीं आपकी बिल्कुल भी। तो ऐसा ना करो, जो आपके बजट में आता है आप पहले उस स्केट से शुरू करो। अगर आपके पास कोई लोकल क्वार्ट्ज भी पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उससे एक बार प्रैक्टिस तो शुरू करो, आप अपने गेम को इम्प्रूव करो पहले, उसके बाद आप बेटरमेंट की तरफ जाओ। और यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चों को अभी तक तो यही नहीं पता, जो बिल्कुल पहली बार आएंगे मेरे चैनल पर उनको मैं दिखा देता हूँ एक बार कि क्वार्ट्ज ऐसा होता है, हॉकी लाइन ऐसा होता है, प्रोफेशनल लाइन ऐसा होता है। तो ये आपके सामने मैं तीनों के पिक्चर्स डाल रहा हूँ, ये देखो ये पहले नंबर पे है क्वार्ट्ज, दूसरे नंबर पे हॉकिन लाइन है और तीसरे नंबर पे प्रोफेशनल स्केट्स हैं। इन तीनों में अलग अलग डिफरेंस होता है, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। आप किसी नए से पूछोगे तो कुछ बच्चों को तो इवन ये भी नहीं पता होगा, वो बोले बीच में जिन स्केट्स की लाइन होती है वो वाला स्केट्स चाहिए, या फिर चारों में जिसमें पहिए होते हैं वो चाहिए, इस टाइप के चाहिए होते हैं। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्वार्ट्ज स्केट्स हमारे रोल वॉल में क्या काम आने वाला है और क्या बेनिफिट्स हैं उसके। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यार क्वार्ट्ज स्केट्स एक तो लाइट वेट होता है, उतना हैवी नहीं होता है क्वार्ट्ज स्केट्स। जब जो भी रोल वाले प्लेयर्स होंगे जो कि 8-10 साल से यूज़ करें, जैसे कि मैंने खुद अपना गेम कम से कम 8 से 9 साल कम से कम क्वार्ट्ज पे यूज़ करा यार पूरा टाइम। क्वार्ट्ज में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि उसकी चीज़ें एकदम ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं, अगर ब्रैकेट टूट जाए तो नया ब्रैकेट अपना निकाल के लगा लो, दूसरे स्केट्स का लगा लो या फिर ईजिली बाय कर लो। वही अगर दूसरी तरफ इनलाइन का बाय करने के लिए जाएंगे तो यार इनलाइन में फिर चीज़ें और पार्ट्स बहुत महंगे हैं क्वार्ट्ज के मुकाबले। तो सबसे बढ़िया है कि क्वार्ट्ज स्केट्स थोड़ा सा चीप पड़ जाता है हमें एज कम्पेयर टू इनलाइन। दूसरा बेनिफिट क्वार्ट्ज का ये है कि यार इनलाइन वाला बेचारा 10-12 मिनट लगा के पहनता है और क्वार्ट्ज वाला सट से पैर डाला और 2 मिनट के अंदर स्केट्स रेडी अपना पहन के चला जाता है। तो ये तो काइंड ऑफ छोटा मोटा बेनिफिट है, लेकिन सबसे बढ़िया बेनिफिट जो है वो जंप में बहुत काम आता है क्वार्ट्ज। सपोर्ट्स एक इनलाइन वाला बंदा जो जंप ले रहा है उसकी उतनी हाइट नहीं होगी जंप में, आपने देखा होगा बहुत सारे नेशनल में भी क्वार्ट्ज वाले बंदे अच्छा जंप ले पाते हैं और अच्छा हवा में स्टे कर जाते हैं, इनलाइन वाले बंदे उतना अच्छा स्टे नहीं कर पाते। जबकि गेम को फास्ट फॉरवर्ड भगाने की आप बात करोगे तो इनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग और क्वार्ट्ज को कम प्रेफर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वार्ट्ज अब बच्चे की यूज़ करना कम कर दिए, क्वार्ट्ज भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इनलाइन भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लेकिन वही बात है कि जिसके ऊपर आगे प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे कि आज के टाइम में ज़्यादातर इनलाइन को प्रेफरेंस दी जा रही है कि गेम को फास्ट करना है, उसके लिए इनलाइन को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, क्वार्ट्ज को कम प्रेफर किया जा रहा है। बाकी स्टेबिलिटी के मुकाबले देखें तो क्वार्ट्ज आज भी ज़्यादा स्टेबल है। अब क्वार्ट्ज के और भी थोड़े बेनिफिट्स हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज का यार और भी बेनिफिट्स है, जैसे कि सबसे बढ़िया बात है कि क्वार्ट्ज ईजिली अवेलेबल हो जाता है, उतना ज़्यादा टफ नहीं होता। अब जो इनलाइन है हॉकी लाइन है उसमें स्पेसिफिक, और कोई भी इनलाइन लो या हॉकी लाइन लो तो उसमें स्पेसिफिक आपको बच्चे को चाहिए आजकल की, नहीं मेरे को तो मिशन ही चाहिए या फिर मेरे को बॉल चाहिए, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में बहुत सारे, उनका ही चाहिए बच्चों को स्पेसिफिक। लेकिन क्वार्ट्ज में है कि अगर आपके क्वार्ट्ज का लिया कोई भी ब्रांड ले लिया एक्स वाई जेड, सपोज उसका शू जल्दी ख़राब हो जाता है, उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं यार, आप मार्केट से जाओ नया शू परचेज़ करो, एक स्टड्स परचेज करो, उस स्टड्स को पीछे से कट के मोची उसको नया लगा के आपको सेट करके दे देगा, जहाँ आपका काम जो भी 2-2.5 हज़ार रुपये में होने वाला है आप 1,000 रुपये में या फिर 800-900 रुपये में उसको करके सेटअप कर देते हो, आपका स्केट्स रेडी टू गो हो जाता है। और आजकल रोल बॉल में सबसे ज़्यादा यही चल रहा है और स्केटिंग में भी आजकल तो इवन यही चल पड़ा है कि सब ज़्यादातर अपने शू पे स्टड्स लगवा के उसको काम चला लेते हैं। भाई जो ये पीछे लोटा रखा है ना, इस पर मत जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोटा है, इसमें बहुत सारे पेन रखे हैं, आपको पता ही है कि पेन कितना इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो ऊपर ट्रॉफीज़ रखी है ये सब मेरे अचीवमेंट से छोटे मोटे। और हाँ अब जो आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे क्वार्ट्ज पे, तो यार क्वार्ट्ज सबसे बढ़िया बात तो ये है कि वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, इजीली एक्सेस है उसके पार्ट्स। क्वार्ट्ज में बहुत सारे ब्रैकेट्स टूट जाते हैं, ब्रैकेट्स हमारे रिप्लेस हो जाते हैं, नए ब्रैकेट्स हम परचेज कर लेते हैं। रोल बॉल में अगर कोई बिगनर है और चाहता है कि मैं जल्दी से गेम को ग्रैब करूँ तो मेरे हिसाब से वो क्वार्ट्ज भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और क्वार्ट्ज एज़ कम्पेयर टू इनलाइन थोड़ा सस्ता आता है। और तीसरी चीज़ ये है क्वार्ट्ज के बारे में कि क्वार्ट्ज में बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि व्हील्स कौन से चलाएं हम क्वार्ट्ज में,
तो यार जहाँ पे भी कोटा स्टोन होता है ना, जहाँ पे स्मूथ सरफेस है, बहुत सारे बच्चों के व्हील वहाँ पे ग्रिप नहीं करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि वहाँ पे अब व्हील ग्रिप नहीं कर रहा, हम बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं। तो यार कोटा स्टोन का ग्राउंड जो भी होता है, जब बहुत ज़्यादा उस पर हीट पड़ती है तो यार वो स्लिपरी तो पहले ही हो जाता है। और दूसरी चीज़ कि जब वो ठंडी कंडीशन में आप खेलोगे, थोड़ा पोज करो, थोड़ा सा इवनिंग में खेलोगे, थोड़ा मॉर्निंग में खेलोगे, तो आपका व्हील वहाँ पर बहुत सही ग्रिप करेगा, चाहे हॉकी लाइन हो चाहे क्वाड्स हो। अब क्वाड्स में बात आ जाती है कि हम व्हील कौन सा लगाएं। तो यार अगर आप स्मूथ सरफेस पे खेल रहे हो तो हार्ड व्हील लगाओ, जैसे कि रिंक व्हील्स होते हैं ना, वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनको शिकायत होती है कि नहीं, हम तो हमारा व्हील नहीं है इसलिए हम फिसल गए। यार तो नॉर्मल व्हील पे भी आप काम कर जाओगे, रोड व्हील भी अगर आपका होगा ना तो उस टाइम एट अ टाइम आप यूज़ कर सकते हो, अगर सुबह की कंडीशन है या फिर इवनिंग की कंडीशन है। बाकी जो बेस्ट और इजीली अवेलेबल रहता है वो रोड व्हील अवेलेबल रहता है। आप सुबह चलाओ, शाम चलाओ, दोपहर चलाओ, जिसको हैबिट है वो एक ही व्हील पर अपना सारा काम कर लेता है। और जिसको चाहिए स्पेसिफिक कि नहीं परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो यार मैं उनके लिए प्रेफर करूँगा कि आप जो है अपना रिंक व्हील एक सेट लेकर रखो, तो आपको वो थोड़ा बेनिफिट कर जाएगा। रिंक व्हील ज़्यादा ग्रिप करता है एज़ कम्पेयर टू रोड व्हील से। बाकी रोड व्हील का ये है कि रोड व्हील चीप होता है, काफ़ी सस्ता होता है रिंक व्हील के मुकाबले। अब रोड व्हील में भी अगर आप प्रोफेशनल स्पीड स्केटिंग की तरफ जाओगे तो यार रोड व्हील भी बहुत महंगे महंगे आते हैं, कोई सस्ते नहीं आते। लेकिन अगर रोल बल के हिसाब से देखा जाए तो आप कोई भी 2 से 2.5 हज़ार या 1 से 1.5 हज़ार रुपये में भी व्हील आ जाते हैं, वो आप इजीली अवेलेबल हो जाएंगे आपको। आप ऑनलाइन परचेज करोगे तो ऑनलाइन परचेज में देखिए आप रिटर्न नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने कोच की हेल्प से अगर आप परचेज करोगे तो वो ये होता है कि आप अपनी एटलीस्ट कोच को शिकायत तो कर सकते हो कि यार ये व्हील हमारा ख़राब है, ये व्हील हमें रिप्लेस करवा के दो। आई होप सो यार आपको व्हील का अपना क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्मल एक रोड व्हील लो शुरू में, रोड व्हील को चलाओ आराम से, अगर आपका ग्रिप करता है तो वेरी गुड, नहीं ग्रिप करता है तो यार एक बार उसको गीले कपड़े से साफ़ करो। कई बार ग्राउंड के ऊपर भी होता है कि ग्राउंड गंदा, उस पर मिट्टी धूल पड़ी, तो इस वजह से ही बहुत सारे बच्चों के व्हील ग्रिप नहीं करते। लेकिन बेसिकली एक ठीक ठाक अच्छे ग्राउंड पे जो रोड व्हील होता है वो हर ग्राउंड पे काम आ जाएगा आपका। आप रोड पे चलाओ, आप सीमेंट पे चला रहे हो चला लो, कॉन्क्रीट के ग्राउंड पे चला, रोड व्हील आपका सही ग्रिप करेगा हर जगह। वेयर एज रिंक व्हील आपका सिर्फ उधर रिंक में स्मूथ सरफेस पे काम करेगा, या फिर बैंड ट्रैक जो होते हैं स्पीड स्केटिंग वालों के लिए उस पर अच्छा काम करेगा, यहाँ आपका व्हील काम नहीं करने वाला। अगर आपको चाहिए कि सीमेंटेड ग्राउंड पे आप रिंक व्हील लेके भगा रहे हो, आपका थोड़े टाइम में बहुत जल्दी व्हील डेड हो जाएगा, तो आप रोड व्हील के लिए जाओ। सबसे बढ़िया रोड व्हील प्लस आपका नॉर्मल क्वाड स्केट्स अच्छा काम कर जाएगा रोल बॉल के लिए। और अभी भी ये चल रहा है कि रोल बॉल जो है नेशनल लेवल तक तो हमारे इंडिया में चल पा रहा है क्वाड्स के साथ, लेकिन इंटरनेशनल में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि आप हॉकी लाइन यूज़ करो, या प्रोफेशनल इनलाइन तो नहीं यूज़ हो सकते, लेकिन हॉकी इनलाइन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल अपना क्वाड्स को। हॉकी वालों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्वाड्स वालों को कम प्रेफर करते हैं। और एक छोटा सा समराइजेशन ये बनता है पूरा कि अगर जो भी बच्चे क्वाड्स यूज़ करते हैं रोल बॉल में और अभी वो बिगनर है, तो आप यूज़ करते रहो बेझिझक। क्वाड्स रोल बॉल के लिए एक बहुत ही सही स्केट्स है, आपको कम पैसों में पड़ जाता है, आपकी लाइफ ज़्यादा होती है क्वाड्स की। जैसे कि आप देखो कि अगर कोई भी पार्ट टूट जाए तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा और कम पैसों में अवेलेबल हो जाएगा, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है क्वाड्स की। ब्रैकेट टूट जाए आप दूसरे स्केट्स का लगा सकते हो, वेयरिंग निकल जाए, व्हील्स निकल जाए, आप तुरंत दूसरे स्केट्स का निकाल के लगा सकते हो। और कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती इसमें कि सपोज़ जैसे 80 mm के व्हील्स है तो 80 mm के चारों आपके सजेस्ट होकर ईजिली चल जाते हैं। और मेरे हिसाब से तो बेस्ट है यार क्वाड्स, कोई दिक्कत नहीं है क्वाड्स लाने में भी। आपको अगर रोल बॉल खेलना है तो आप क्वाड्स यूज़ कर सकते हो, रोड स्केटिंग में भी आप क्वाड्स चला सकते हो। जो बिगनर है वो यही यूज़ करें, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम से एक्सपेंसिव जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक पे आपने टिके रहो, अपना पहले गेम इंप्रूव करो, पहले किसी लायक बनो, आप नेशनल वैशनल खेलो, उसके बाद अगर आपको इंडिया के लिए क्वालिफाई करना है तो आप जाके हॉकी लाइन पे स्विच करो। अगर आप तुरंत ही पहले पता लगा खेलते हुए 6 महीना नहीं हो आ रहा, आपने हॉकी लाइन पे स्विच कर लिया, वो मत करो। इसलिए पहले क्वाड्स पे ही जाओ, बेसिक पे ही जाओ, उसके बाद खेलना शुरू करो। और व्हील्स में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं होती है, आप रिंक व्हील नॉर्मल भी चलाओगे तो भी चल जाएगा। स्मूथ सरफेस होना चाहिए रिंक व्हील के लिए, और रफ सरफेस के लिए आप रोड व्हील यूज़ करो, वो बेस्ट रहेगा। और आपका जो रोड व्हील है वो दोनों पे भी काम कर जाएगा, अगर स्मूथ सरफेस आपका थोड़ा सा साफ़ है, गंदा नहीं है तो। और आपको अगर स्पेसिफिक ही चाहिए कि नहीं मेरा व्हील तो ग्रिप कर ही नहीं रहा, तो आप रिंक व्हील ले लो। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और भी कोई स्पेसिफिकेशन आपको पूछनी है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक यू सभी को। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बता दें, और एक कमेंट अपना छोड़ दें। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है स्केट्स का, अगर बाय करना है किसी को भी हॉकी लाइन या क्वाड्स, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और बाकी
जो भी प्रॉब्लम हो स्केट से रिलेटेड आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। बेसिकली रोल बॉल के लिए अगर कोई भी स्केट जिसको भी प्रेफरेंस चाहिए हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर मैं नीचे दिए गए मेरे इंस्टाग्राम के लिंक पर मुझे जाके वहाँ पर मैसेज करें। थैंक यू।